हाय फ्रेंड, आइए देखिए, ये हम आपको स्पेशल टूल दिखा रहे हैं कि इस टूल के द्वारा जो है सिलेंडर लाइनर को जो है इंजन से हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसको निकालने में कोई अधिक दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है इसमें नीचे प्लेट होता है, उस प्लेट को जो है हम सिलेंडर लाइनर में फंसा देते हैं, फिर ऊपर से देखिए इस तरह जो है हम धीरे धीरे इसको टाइट करते चलते हैं, और जब टाइट करते चलते हैं तो ये धीरे धीरे जो है सिलेंडर लाइनर देखिए इस तरह जो है हमारा बाहर आने लगा, और इसके बाद जो है ये धीरे से जो है बाहर आ जाएगा और हम पूरा का पूरा जो है सिलेंडर लाइनर जो है इंजन ब्लॉक से बाहर कर लेते हैं। इसको देखिए ग्रेजुअली जो है इसको हम धीरे धीरे टाइट करते चलते हैं, क्योंकि इंजन जब पुराना हो जाता है चलते हुए तब इसका ओरिंग जो है ब्लॉक में जो है बहुत अधिक टाइट हो जाता है, यानी पकड़ लेता है, तो इसलिए जो है इसको निकालने में जो है थोड़ा मेहनत लगता है, इसलिए जो है इस रिंच के द्वारा और इस टूल के हेल्प से जो है हम इसको जैसे जैसे टाइट करते हैं, और जब ये ओरिंग हमारा एक्चुअल पोजीशन से हट जाता है तब ये देखिए आराम से जो है ये हमारा सिलेंडर लाइनर जो है ब्लॉक से बाहर आ जाता है। देखिए इस तरह जो है जब बाहर आ जाता है तब इसको आराम से जो है हम इसको ऊपर का नट को जो है घुमा कर जो है इसे हम सिलेंडर लाइनर को खींच कर जो है बाहर कर लेंगे, इस तरह जो है सिलेंडर लाइनर को जो है निकाला जाता है। ये देखिए अभी इसको हमने टाइट कर दिया, अब ये सिलेंडर लाइनर जो है उठाएंगे, ये देखिए इस तरह सिलेंडर लाइनर जो है ब्लॉक से बाहर आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, हो सके तो अपने दोस्तों फ्रेंडों और टेक्नीशियन को भी इसको शेयर करें, तो ताकि उन्हें